हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ए टू आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर फॉर द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी सो देखिए आपके पास ट्रेंड कैसे होगा अगर हम पीरियड में बात करें एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अब इसका रीजन क्या है जैसे आप पीरियड में मूव करेंगे आपका अटोमिक साइज डिक्रीज करेगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और आपको पता है दैट योर अटोमिक साइज योर अटोमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड योर न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और अगर आपका अटोमिक साइज डिक्रीज होगा तब भी आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज होगा सो so, इस रीजन की वजह से एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अगर आप ग्रुप में बात करेंगे एज यू मूव डाउन द ग्रुप एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपका कौन सा आ, ग्रुप प्रेजेंट है एल्कली मेटल्स तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है सबसे कम है दे आर हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर यहां पर रीजन की बात करें आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टॉमिक साइज क्या होगा इंक्रीज होगा राइट right? क्यों इंक्रीज होगा जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे बिकॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स राइट और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आपका अटोमिक साइज इंक्रीज होगा दैट मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस इंक्रीज होगा और आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा डिक्रीज होगा और वही फंडा अगर आप लगाएंगे और आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अटोमिक साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज तो अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा डिक्रीज होगा अगर आप देखिए ट्रेंड देखेंगे आपका दीज आर द ट्रेंड्स इन योर पीरियड, राइट जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करेंगे आपका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा और वही अगर आप ग्रुप में बात करेंगे तो जो आपके आयनाइजेशन की वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है राइट सो इज अ क्वेश्चन फॉर यू द क्वेश्चन से नाइट्रोजन हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन देखिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है वैसे तो अगर आप लॉजिकली देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रियोरिक टेबल में ऐसे प्रेजेंट है लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे आपका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है जो एनर्जी है वो इंक्रीज करनी चाहिए इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका रीज़न बताइए क्या है इसका रीज़न क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास क्या है इट इज 2s2 2p3 और जो आपका ऑक्सीजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है इट इज 2s2 2p4 टू so, सो In case of nitrogen, because of having the half-filled configuration, this atom is more stable than oxygen. That is, by its ionization energy is more as compared to oxygen. So, your answer will because of having a stable half-filled electronic configuration. और जितनी ज्यादा ज्यादा जितनी आपके पास स्टेबिलिटी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा दैट मीन्स उतना ही आपको आयनाइजेशन एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स